दम लगा के आयशा। वो आकाश गुप्ता का नहीं है। अब लग रही है ठंडी। मैं पहुंच गया मलाड। नाइस। ठंडी है मुंबई में, ठंडी है। और अभी तो कुछ ऐसा टेम्परेचर हो गया ना मुंबई में, एकदम से ठंडी बढ़ गई है मुंबई में। क्या हालत देख। मैं ऑडियो डाल के रखा है रे, पीछे से लेते करा। चले टका पेन। दिस इज अ स्पेशल हेलमेट, एकदम रेयर है, किधर नहीं मिलता। है ना, डायरेक्ट फाउंटेन चलते हैं, मतलब चाय पीते। सुबह की चाय इज मस्ट, आंख नहीं खुलती। ले तो ऐसे क्या की कर रहे। अभी भी नहीं बता रहा, सस्पेंस रखा है। चल आज थोड़ी देर पीछे बैठेगा, मैं ऐसे पिलियन जाएंगे। झगड़ा कर रहे सुबह सुबह। चलो ठंडी, तू ग्लव्स पहन लेना भाई, रास्ते में काटेगा फिर। हाँ उसको ठंडी लग रही, नहाके नहीं आया तभी ठंडी लग रही है उसको। हाँ उसके जेब में पड़ा ग्लास पहन ले रहा हूँ। अभी चालू हुआ। चलो अब तो बता दो किधर जाने का, किधर जाने का। अच्छा रैंडमली निकले। हाँ कैसा कान में गाना चलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या सुबह सुबह नींद आती है। और ठंडी है वैसे। व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिग्री इज द, चालू हो जाए इज द। ओके 21 डिग्री, 21 डिग्री। चलो दम लगा के आयशा। अरे अंकल न्यूट्रल पे तो डालो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ठंडी है, आज है 14 नवंबर, संक्रांति है, तो 18 डिग्री हो रहा है और बहुत ठंडी लग रही है। और हम लोग जा रहे हैं आज सूरत। सूरत में देखते हैं आज काइट फेस्टिवल्स होगा, बहुत सारा चीज़ है। ऋषि सौरव और दोनों भाई रेडी, फुल्ली गेयर्ड अप। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 कुछ हो रहा है। और आज हम लोग एक्चुअली बहुत जल्दी निकले हैं, सुबह 5 बजे हम लोग ने स्टार्ट किया था। स्लो स्लो आ रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी चारोटी टोला का पहुँच गए। अभी यहाँ से डायरेक्ट सूरत पहुँचते, कुछ नाश्ता पानी वहीं पे करेंगे। यहाँ से तो चाय ब्रेक के लिए रुके थे। सुबह सुबह चाय मिलती है ना तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। ऐसा लगता है ना कि हाँ ठंडी ज़्यादा लग रही है तो चाय पी लो, अपना टेंशन ख़त्म। और सुबह का नज़ारा एकदम प्यारा प्यारा हो रहा है। और अपने दोनों यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। Mm-hmm.
इसको ठंडी कुछ ज्यादा ही लग रही है। ये भाई फाइटिंग मीटिंग करते हैं, इधर गया। हाँ ये और ये मारामारी कर रहे हैं, इधर गया। अरे मेरे को दिख नहीं रहा दूसरा वाला चले गया। भरूच टोल प्लाजा पहुँच गए अभी, कुछ 50 किलोमीटर से यहाँ से सूरत ऑन टाइम। जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपन, अभी 10 बज रहा है। और ये एक छोटा सा चाय ब्रेक था, ठंडी तो है। ये रहा मारामारी करने वाला, डरा दिया इसने। अच्छा ऊपर बाइक वाले लोग को लग जाएगा ना, मान जा। तो सूरत में तो पहुंच गए जलाराम वाले के यहाँ से। जानी है जलाराम जाने के यहाँ से। गुजरात में फेमस है सुबह का नाश्ता लोचो। अब इसमें से कौन सा क्या क्या है पता नहीं, हमने 3 मंगाया, तंदूर, पेरी पेरी और एक कौन सा था, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। खाते क्या? वो फोन पे बात कर रहा है अभी। बड़ा आया मास्टर शेफ। अच्छा तो है वैसा तो कर। वो आकाश गुप्ता का नहीं है। और ये हम लोग अभी सूरत से एग्जिट कर रहे हैं, मस्त लोचो खाया। अभी कर रहे हैं सूरत एग्जिट, तो सुबह यही नाश्ता करने आए थे लोचो का। ओहो, वन डे राइड हम लोग का 250 किलोमीटर जो है यहाँ पे आने का, अब वापस से 250 किलोमीटर जाना है। चलो सूरत एग्जिट करने में हमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। अभी 4 बज रहा है, हमें 5 बजे तक हो गया, 5 बज जाएगा हमें एग्जिट करने का। यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं है कि एकदम फास्ट चला है या फिर कहीं जाना है, सब आराम से चला रहे, 20, 30, 40, 20, 30, 40, किसी को ऐसा नहीं है कोई फास्ट जाए। और यहाँ पे ना हम लोग ना बाइक से ऐसे एक स्टील का कुछ तो भी बांधा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पतंग वगैरह उड़ रही है ना काइट, तो उसका जो धागा रहता है वायर वो लग नहीं जाए बाइकर्स को इस वजह से। और उन्होंने ये फ्लाईओवर बंद रखे, सेम रीजन है काइट, उन्होंने ऐसे सब बाइकर्स को नीचे से भेज रहे, ऊपर से किसी को नहीं भेज रहे। I do this every season, I hate when summer comes. I fall.
trap that I made by myself. Oh, and I always do the right. Kaccha taklo ta tapli bida बंद हो गया। सूरत से निकल के हम लोग को हो गया ऑलमोस्ट 4-5 घंटा हो गया। 6 बजे हम लोग सूरत से एग्जिट किए थे, अभी हो रहा है 9:30। हम लोग ने नॉन स्टॉप कवर किया है, सिर्फ 1 घंटा रुके थे हम लोग चारोटी पे, 15 मिनट्स के आसपास रुके थे सिर्फ चाय पीने के लिए। कंटिन्यू हम लोग ने रन किया है 266 किलोमीटर्स कुछ है, और अभी हम लोग है फाउंटेन पे। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।